अब हम भाभी महविश के रूम का टूर आपको करवाते हैं जी। ये अम्मी जी हैं हमारे साथ और ये हैं जी भाई फियाज साहब। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे उन्होंने अपने सोफे रखे हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनको कवर किया हुआ है। और ये है जी ड्रेसिंग टेबल। ठीक है, ये देखें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करके सारी चीज़ें अपनी रखी हुई हैं। ये तो मुझे लगता है कोई थोक के हिसाब से ही मिल गई थी उन्हें हाँ अंगूठियां, तो है ना। जी हाँ, ये अंगूठियां भी। हाँ, दिया ये हुमैरा आपी ने दी हैं उनको अंगूठियां गिफ्ट। तो मैंने तो अचानक देख के यही कहा, मैंने कहा लगता है ये भाभी महविश को ना कोई थोक के हिसाब से मिली थी जो उन्होंने सारी ले ली। देखें यहाँ पे उन्होंने ऐसे अपनी ये सेफ अलमारी, और ये है जी उनके, बर्तन बाकी सारे बंद ही रख दिते हैं ना, हाँ जी बस इन्ने के बच्चे रखे सके, वो बाकी ऊपर भी सारे उन्होंने जो रखे हुए हैं। ड्रांग हाँ काम पे इधर बंद ही रख देते, मैं तो खोल ही ना बाकी रहा देते। हाँ जी। तो अभी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें से निकाले भी हैं, क्योंकि जब उन्होंने हमें खाना सर्व किया था ना तो वो बर्तन निकल गए थे अंदर से, और ये चम्मच वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये है जी बेड। कुछ सामान इसको हमें रखा है ना, कुछ साथ वाले हाँ जी, हाँ, बाकी सामान सारा उधर भी रखा लेता है। और ये देखें जी ये वॉशरूम भी दिखा दें, वॉशरूम भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है रूम में। ठीक है, ये देखें वैसे मुझे इनका ना वॉशरूम बहुत अच्छा लगा, बहुत खुला है, पूरा कमरे का कमरा ही है तकरीबन। हाँ जगह थोड़ी होगा तो फेर ही है ना, हाँ जी, बिल्कुल। मुझे ना घर में दो चीज़ें जो बहुत पसंद हैं वो किचन और वॉशरूम। किचन और वॉशरूम ना बहुत खुला होना चाहिए, एक होटल में किचन अपना सारा और, दिन गुजारा हाँ नहीं जी, होता। किचन और वॉशरूम। तो ये उधर दूसरे रूम में उनका बाकी सामान पड़ा है और बाकी इधर इस रूम में रखा हुआ है सारा। हाँ जी, इसे भी अभी सेट करना है, तब मम्मी आलू तोड़ के रख दिया था इसे, लेकिन अभी अब्बू जी कह रहे थे कि सेट करना है, इसी तरह हम लोगों ने रखा हुआ है। ये चार पन्निया हम लोगों ने, मैंने और भाभी जी ने इस तरह रख दी कि ये स्पेस जो है ज्यादा बचेगी, हाँ तो अभी भी दरमियान डांट में रही भी, कि चार पन्निया खराब हो रही है। इस तरह खराब नहीं होती, लेकिन अब्बू जी को इस तरह पसंद नहीं है। आगे वाले रूम में जाके देखिए अब्बू जी ने जिस तरह अब्बू जी को पसंद है। हाँ अच्छा वो उन्होंने अपने हिसाब से रखी हुई है इधर सारी। जी, अब्बू जी को इस तरह के, ये हम लोग इसे बोलते हैं कोरिया लगाना, हाँ, ये अपनी देखेंगे जगह उन्होंने ऐसे चारपाई पे चारपाई रखना। चारपाई के ऊपर चारपाई रखी हुई है। अब्बू जी कहते हैं इस तरह चादरें आ जाती हैं तो चारपाइयां खराब नहीं होती, उस तरह डस्ट जाती है उनपे तो वो गंदी हो जाती है, हाँ वैसे ये पानी बात तो खराब नहीं है कि होता। नीचे अगर वो पानी वगैरह भी चला जाए ना तो वो उसके साथ भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती हाँ हैं। जी, तो ये माशाल्लाह आपके घर में चारपाइयां बहुत हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी भाभी जी के रूम में आपने देखी नहीं हो तो भी बहुत पड़ी है। वो पता क्या, लकड़ियां जब घर की हो ना हाँ जी, तो वो फिर बंदा बना लेते हैं। नहीं ये भाभी महविश की अभी सारी चीजें इधर ऐसे ही पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा भाई फियाज का रूम देख ले, मैंने तो देखा ही नहीं जब से मैं आई हूँ, मैं बाहर ही बैठी हुई थी धूप में, क्योंकि वो मैं तो धूप को इतना तरसी हुई थी जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि धूप मेरे ऑफिस में तो मुझे कहीं धूप की शक्ल भी नहीं नजर आती। ठीक है जी, वाह जी वाह भाई फियाज, आपने बड़ा सेट किया हुआ है कमरा। अभी इंशाल्लाह मैं करूंगा जब मैं अपना घर रखूंगी। ये मैं ना अक्सर वीडियोस में भी देखती थी और मैं सोचती होती थी कि ये भाई फियाज ना इतना सेट करके रखते हैं, और मुझे लगता है आप ना बच्चों को इतना डरा के रखते हैं कि वो भी नहीं मेरे बेचारे घर अंदर में आते। भी बच्चा एक दिन आया था, वो देखी भूख रखी हुई है हाँ मोईज, इसके ऊपर ना कार की चाबी पड़ी थी, यहाँ पर निकाल के चेक अंदर करने, कार निकालने लेके आओ, हाँ उसने यहाँ पैर रखा, ये गिरा दिया, ये तोड़ दिया, ये उसके तोड़ बाद दिया। से वो मेरे हाँ कमरे में नहीं हाँ आया। और मैं अम्मी मामू नदीम, मेरे भी जो सबसे छोटे मामू ना भाई फियाज भी सबसे छोटे हैं, और ये इनका घर में भी ऐसे जी रोब है बड़ा, और मेरे भी जो सबसे छोटे मामू उन्होंने भी एक कमरा संभाला हुआ है, और वो उस कमरे में किसी बच्चे को नहीं जाने मुझे देते। आदत थी, मैं छोटा सा था, इतना सा हूँ जब से मैं इस कमरे में सोता हूँ,
पहले सामान था देखने वाले बहन भाई कहते थे कि भाई सामान निकाल के अपना कमरा जो है ना सेट करें। फिर मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी जी वो पेटियां निकाल दें फिर अपना कमरा सेट करें। कमरा कोई ऐसा वैसा सेट किया हुआ है? देखें जी जरा फर्श देखें आप कैसे चमक रहा है, वो देखें टाइलें शाइलें बिल्कुल साफ सुथरी। और मैं जब से आई हूँ ना, मैं माशाल्लाह सुबह से आई हुई हूँ, ट्रस्ट मी मैंने किसी बच्चे को इनके कमरे में नहीं आते देखा। ये पता नहीं ये किस किस्म का डराते हैं बच्चों को। जो कि बेडशीट इतनी सीधी है। ये देखे मैं रात को जब भी सोता हूँ ना, मैं पहले सेट करता हूँ, उसके बाद फिर कमरे में जाता हूँ तो फिर पहनता है, इधर जाता है नहीं पहनता, कमरे में जाकर तो फिर पहनता। अच्छा सही। मैं ना मुंह रखता हूँ इस जगह पे, मैं बाजू पे अपना जो है ना सर भी रखता है। अच्छा अच्छा नहीं जी बहुत सेट है। मैं कहती हूँ इतना लड़की का किसी का रूम भी नहीं इतना सेट होगा जितना भाई फियाज ने अपना किया हुआ है। ये देखिए जी और ये अभी भाभी महविश का इधर भी सामान पड़ा है, डाइनिंग टेबल उनका इधर पड़ा है, ये देखें। नहीं आसिया का उतर गया, आसिया देखी थी का शादी में काट के बोला उधर से था ना एक कमरा या उसको भी था इतना अच्छा। ये सारा खुला सहन धूप और बड़ा कमाल का यहाँ पे जी है जनाब सीन सारा, ये देखें। आज माशाल्लाह सही धूप निकली हुई है। और अब मैंने आपको फियाज भाई के रूम का भी टूर दे दिया और भाभी महविश के रूम का भी टूर दे दिया। अभी भाभी महविश खुद इधर नहीं थी, अगर वो यहाँ पे होती तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताती हैं उन्होंने किया क्या क्या चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। ये जनाब यहाँ पे फुल गाँव वाला सीन चल रहा है, ये ट्रैक्टर वगैरह खड़े हैं और इधर वाली साइड पर एक ट्रैक्टर चल भी रहा है। ये जनाब देखें डॉगी साहब कैसे नींद पूरी कर रहे हैं अपनी। और ये है जी सारे जानवर वगैरह और वो सामने ट्रैक्टर चल रहा है। वो भाई जवेद वहाँ पे अपनी जगह जो है वो सही कर रहे हैं। और यहाँ से मैं पहले होके आई हूँ, ये सारा मैं खुद देख के आई हूँ। बहुत बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, इतने साफ दिल के और बहुत मेहमान नवाज, इतने अच्छे हैं ना ट्रस्ट मी माशाल्लाह से सब बहुत अच्छे हैं। अम्मी जी, भाभी आसिया, भाभी महवेश, उन्होंने इतना मज़े का खाना बनाया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह हमें। और आई होप कि आप लोगों ने भी व्लॉग्स जो हैं वो बहुत पसंद किए होंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ अब आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह। और जी ये व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं जी, अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलूंगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।